हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 कप चने की दाल और उसे पूरी रात भिगो के रख दिए थे। तो देखिए कितने अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इसे 2-3 पानी से धो के और एक साइड में कर लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं, उसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और 3-4 हरी मिर्ची डाल देंगे। आप यहाँ पर चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लहसुन नहीं डाल रहे हैं। अब ये थोड़ी सी भुन जाए उसमें हम आधा चम्मच हींग डाल देंगे। हींग से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर तो लहसुन भी डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लड्डू जी को भोग लगाएंगे तो इसलिए हम यहाँ पर लहसुन नहीं डाल रहे हैं। और मिर्ची थोड़ी सी भून चुकी है, उसके बाद इसमें हम दाल डाल के अच्छी तरह से तेल के साथ 1 से 2 मिनट तक दाल को भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ज़्यादा दाल भून जाती है तो ये जल्दी पकती नहीं है। तो इन्हें 1 ही मिनट तक भूनेंगे तेल के साथ। उसके बाद इसमें मसाले डाल लेंगे। मसाले में हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और नमक डाल देंगे। नमक हम ज़्यादा डालेंगे, इसमें जितनी की टेस्ट चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और आधा चम्मच हम लाल मिर्च डाल देंगे। पहले हम हरी भी डाले थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा लाल डाल देंगे। मसाले बस इतने ही पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। और इन्हें मसालों के साथ भी 30-35 सेकेंड भून लेंगे अच्छी तरह से। तो इन्हें चलाते हुए भून लेंगे ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से पक जाए इन तेल में। तो मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, ज़्यादा नहीं इन्हें भूनेंगे। और 1 कप दाल था तो इसमें हम 2-2.5 कप पानी डाल देंगे, क्योंकि चने थोड़े हार्ड होते हैं तो इन्हें पकने में भी टाइम लगेगी। तो इस करके हम इसमें 2-2.5 कप के आसपास पानी डाल दिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इन्हें ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर हम ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। और सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसी चीज़ें बना के खाने का बहुत दिल करता है। तो देखिए हाई फ्लेम पर हम 2-3 मिनट के लिए ढके थे, अब एक बार चला के देखते हैं। तो पानी अभी थोड़ी सी कम हुई है, पानी अभी बहुत है इसमें, अभी दाल अच्छी तरह से पकी नहीं है। अब इसको फिर ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इन्हें पकने देंगे इसी तरह से। उसके बाद फिर देखेंगे। तो देखिए 4 मिनट हो गए थे, गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखे थे, बीच में आप चेक भी कर सकते हैं। तो पानी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई, पानी बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो अब इनको ढक्कन नहीं लगाएंगे, खुले में ही पकाएंगे इन्हें। ढक्कन हटा देते हैं और इन्हें चलाते हुए अच्छी तरह से गैस का फ्लेम हम हाई रख देंगे और इन्हें ऐसे ही पका लेंगे। देख लेते हैं दाल पकी कि नहीं। देखिए दाल एकदम अच्छी तरह से पक चुकी है। अब जो इसमें का थोड़ी बहुत मॉइस्चराइज़र है इनके, इनको सुखा लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत पानी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी तरह से इन्हें चलाते हुए, वैसे पानी नहीं है तेल ही है, लेकिन इनको अच्छी तरह से इसी में जला लेंगे कि पानी वाला हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्राई चाहिए। तो देखिए सारे पानी जल चुके हैं, पानी बिल्कुल ही नहीं है। अब इनको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। बिल्कुल ठंडा नहीं होगा, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ही आए। तो देखिए 2 मिनट के बाद फिर हम चेक कर रहे हैं, दाल अभी भी देखिए वाफ निकल रही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंड में डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से पीस लेंगे, काफ़ी बारीक पीसेंगे। तो देखिए हमने इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए हैं और इन्हें एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। पहले तो लोग सील बट्टों पर पीसते थे, लेकिन आजकल का हो किसी से होता नहीं है वो चीज़ें, कई लोगों के पास होते ही नहीं है सील बट्टे। तो आजकल मिक्सर ग्राइंड का ही समय जमाना है, तो उसमें हमने पीस लिए जल्दी से फटाफट। यहाँ पर हमने 2 कप आटे को अच्छी तरह से गूंद के रख लिए हैं।
आटा में हमने कुछ नहीं डाला, नॉर्मल जैसे हम सिंपल रोटियों के लिए आटा लगाते हैं वैसे हम लगा के इन्हें 10 मिनट के लिए रख दिए थे। तो देखिए आटे ने 10 मिनट की रेस्ट कर ली है। अब इन्हें हाथों से 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल के और इन्हें छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप रोटियां जैसे बनाते हैं छोटी बड़ी उस हिसाब से बना सकते हैं। हमने मीडियम साइज की ली हुई है, छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं और इसमें से एक पेड़े उठा लेंगे। और पहले हम चकली पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और एक पेड़े उठा लेंगे इन्हें। आप जैसे रोटियां बनाते हैं सिंपल ही पेड़े करेंगे। आप बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, जिस तरह से आप रोटियां बनाते हैं उस तरह से बनाइए। और इन्हें दोनों अंगूठों के हिसाब से, अंगूठों की मदद से इन्हें एक बॉल टाइप का बना लेंगे। आप छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। अब देखिए कटोरियाँ की तरह बन चुकी है और आप इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 चम्मच के आसपास डाल दिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से फील कर देंगे ताकि निकले ना। बिल्कुल हम सिंपल तरीके से बना, आप यहाँ पे प्याज डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, धनिया के पत्ते डाल सकते हैं। लेकिन पहले हमारी मम्मी चाची दादी ऐसे बनाती थी, बिल्कुल हम सिंपल तरीके से बनाए हैं दाल की परोठी। तो इस तरह से आप भी बनाइए बिना तामझाम के, बहुत ज़्यादा नहीं बना, सिर्फ सिंपल हम दाल से बनाए हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी नहीं डाले हैं, सिंपल बिल्कुल बनाए हैं। ऐसे हम बचपन में बहुत खाते थे तो हम उसी तरह से मम्मी दादी की ही रोटियां बनाए हैं। और इस तरह से यूपी बिहार में तो कोई भी ऐसे त्यौहार होते हैं तो उस दिन ये दाल की परोठा पूड़ियाँ जरूर बनती है। इसे बोलते हैं दाल की पूड़ी, तो इसे दाल की पूड़ियाँ जरूर बनाते हैं। तो देखिए हमने इन्हें अच्छी तरह से रोटियों की तरह बेल लिए हैं और इन्हें दोनों तरफ से तेल लगाएंगे। हमारी मम्मियाँ भी सरसों की तेल लगाती थी तो हम भी यहाँ पर सरसों की ही तेल लगा रहे हैं। हम घी बटर कुछ नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ सरसों का तेल लगा रहे हैं। तो इन्हें दोनों तरफ से उलट पलट के अच्छी तरह से सेक लेंगे और ऐसे ही आपके को जितनी की ज़रूरत है आप उतना बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 8-10 रोटियाँ बना के रख लिए हैं जितनी की हमारी ज़रूरत थी। और सारे ऐसे बना लेंगे और ज़्यादातर तो लोग वहाँ पर खीर बनाते हैं और काफ़ी तीखी सब्जी बनाते हैं, आलू की हो गई, चने की हो गई, ऐसी सब्जियाँ बनाते हैं। दाल की परोठियाँ खीर के साथ ही उधर के लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ भी हम वैसे ही कोशिश किए हैं। तो देखिए इन्हें अच्छी तरह से मोड़ के दिखा रहे हैं, फिर भी ये टूटा नहीं, कहीं से फटा नहीं है, इतना इजी और सिंपल तरीके से बन गया है। तो यहाँ पर हमने टमाटर की चटनी और चने की सब्जी के साथ सर्व किए हैं। आप किसी जिसके साथ आप खाना चाहते हैं उस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। सर्दियों में बना के इसे आप इंजॉय ज़रूर करिए। अगर आप खाए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं खाए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप एक बार प्लीज़ मेरे कहने से ट्राई करिए।